नमस्कार, मैं शिवानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की अपील के साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुस्लिम देश इंडोनेशिया का उदाहरण देकर पहले ही उठने वाले विवादों पर जवाब दे दिया था। केजरीवाल ने कहा कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, 85% से ज्यादा मुस्लिम है, 2% से भी कम हिंदू है वहां पर, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट पर गणेश जी की तस्वीर छापी है। यह एक बहुत अहम कदम है जो केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। मैं 130 करोड़ लोगों की ओर से केंद्र सरकार और पीएम मोदी से यह अपील करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना पद संभाल लिया है। इस मौके पर उन्हें सोनिया और राहुल गांधी सहित पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने बधाई दी है। खड़गे ने कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक सामान्य कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इस मौके पर उन्होंने संगठन के 50% पदों को 50 साल के कम उम्र के नेताओं के लिए आरक्षित करने का ऐलान किया है। भारतवंशी ऋषि सुनक ने मंगलवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने अपनी हिंदुत्व वाली छवि को और पुख्ता कर दिया है। सुनक जब वह प्रधानमंत्री के अधिकारी का आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे तो उनके हाथों पर कलावा बंधा हुआ था जो कि हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्हों में से एक है। उनकी यह तस्वीर वायरल हो रही है। T20 वर्ल्ड कप 22 में इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका लगा है क्योंकि इंग्लिश टीम को बारिश के कारण बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। इंग्लैंड की टीम को आयरलैंड के हाथों 5 रन से हार का सामना करना पड़ा है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में बारिश ने खलल डाला। इस मैच में आयरलैंड के रोमांचक जीत मिली क्योंकि डकवर्थ लुइस नियम लागू हुआ जिसमें इंग्लैंड की टीम 5 रन से पीछे रह गई थी। तेलंगाना में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद आनंद भास्कर रापोलू ने बुधवार को यानी आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी छोड़ते हुए आरोप लगाया कि पिछले 4 वर्षों से पार्टी में उन्हें अपमानित किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर नई बहस को जन्म दे दिया है कि नोट पर लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जहां उन्हें पुराने बयानों की याद दिलाते हुए इसे यू टर्न की पराकाष्ठा बताया है, तो वहीं कांग्रेस नेता सलमान सोज ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि यदि ऐसा करने से समृद्ध आ सकती है तो अल्लाह, जीसस और गुरु नानक आदि को भी शामिल करना चाहिए। भारत में सर्च इंजन गूगल की मनमानी रोकने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एक बार फिर जुर्माना लगाया है। अमेरिकी कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि हम अपने यूजर्स और डेवलपर्स के लिए प्रतिबद्ध हैं, आगे क्या करना है इसके लिए CCI के फैसले की समीक्षा कर रहे हैं। गूगल के मुताबिक लागत कम रखते हुए हमारे मॉडल में भारत में डिजिटल बदलाव की अगुवाई की है, करोड़ों भारतीयों तक पहुँच का विस्तार किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्नांडिस ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला शिवसेना का खेमा और भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों पर गठबंधन में तो कुछ पर अलग अलग निकाय चुनाव लड़ेगी। इससे पहले शिंदे ने अगस्त में कहा था कि मूल शिवसेना और भाजपा महाराष्ट्र में नगर निकायों के चुनाव एक साथ लड़ेगी। अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड ओपनिंग डे पर वो कमाल नहीं दिखा पाए जिसकी इससे उम्मीद की जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके फिल्म ने पहले दिन कुछ नए रिकॉर्ड बनाए हैं। फिल्म का पहले दिन का कुल कलेक्शन 8 करोड़ 10 लाख रुपए रहा है और माना जा रहा है कि इसे माउथ पब्लिसिटी का फायदा मिलेगा। 9 सितंबर को रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, मौनी रॉय, अमिताभ बच्चन और नागार्जुन स्टार ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई थी। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। थिएटर्स में धमाका करने के बाद अब फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। हर साल दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस साल सूर्य ग्रहण लगने की वजह से गोवर्धन पूजा दिवाली के 2 दिन बाद मनाई जा रही है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। उद्धव ठाकरे के शासनकाल में महाराष्ट्र की IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ फोन टैपिंग केस में FIR दर्ज की गई थी। अब उन्हीं को एकनाथ शिंदे और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार राज्य का DGP या मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाने पर विचार कर रही है। भाजपा के एक मंत्री का दावा है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में इसका ऐलान किया जा सकता है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के खुलने का इंतजार राम भक्त बेसब्री से कर रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन इसके गर्भगृह में राम लला की मूर्ति की स्थापना के बाद जनवरी 2024 में मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि मंदिर भूकंप प्रतिरोधी है, इसके 1000 से अधिक वर्षों तक चलने के लिए पर्याप्त प्रबंध किया गया है। कांग्रेस में आज से एक बड़े बदलाव की औपचारिक शुरुआत हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। इस मौके पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद थे। इसके अलावा पार्टी के अन्य तमाम सीनियर नेता भी मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष पद पर बिठाने के बाद सोनिया गांधी ने राहत महसूस करने की भी बात कही।
साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण दिवाली के समय लगा था और अब अगले महीने यानी नवंबर में इस साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार 8 नवंबर को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा। खास बात यह है कि इस दिन देव दीपावली है। जानकार कहते हैं कि देव दीपावली ग्रहण से एक दिन पहले मनाने की बात कह रहे हैं। भाई दूज हिंदी कैलेंडर के कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है, जबकि यह आमतौर पर दिवाली के दो दिन बाद मनाया जाता है। यह इस साल दिवाली के तीन दिन बाद मनाया जा रहा है। ऐसे में भाई दूज 26 अक्टूबर की जगह 27 अक्टूबर यानी गुरुवार को मनाया जाएगा। झारखंड के पारा शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी की शर्त में सरकार बदलाव करेगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने, शिक्षक कल्याण कोष के गठन की प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया है। नीति आयोग चैंपियन ऑफ चेंज के नाम से आकांक्षी जिलों में बेहतर काम करने वाले जिलों की डेल्टा रैंकिंग जारी करती है। इसमें 112 जिलों में बिहार के भी 12 जिले शामिल हैं। वहीं इस रैंकिंग में टॉप 5 में बिहार के 3 जिले शेखपुरा पहले, पूर्णिया और दूसरे और गया तीसरे स्थान पर है। धनबाद रेल मंडल के कोडरमा और मानपुर रेलखंड के मध्य गुड़पा स्टेशन पर सुबह 6:24 कोयला लदे मालगाड़ी के 53 वैगन पटरी से उतर गए। इस वजह से गया धनबाद रूट के अप एंड डाउन लाइन पर रेल यातायात बाधित है। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े एक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन के तत्कालीन सलाहकार एसपी सिन्हा समेत 12 लोगों के खिलाफ अलीपुर स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया है। वृंदावन में स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के खुलने और बंद होने के समय में परिवर्तन किया गया है। बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधक प्रशासन उमेश सारस्वत के अनुसार शीतकालीन समय के अनुरूप ठाकुर जी के पट सुबह 8:45 पर खुलेंगे, जिसके बाद 8:55 पर उनकी श्रृंगार आरती होगी। बिहार कैडर के डीजी रैंक के 11 अफसरों में फिलहाल 6 केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर हैं, जबकि 5 बिहार में ही विभिन्न विभाग संभाल रहे हैं। वरीयता में 1986 बैच के शीलवर्धन सिंह और 1987 बैच के एस सेमा रंजन सबसे वरिष्ठ हैं, लेकिन केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर हैं। उनके बाद 1988 बैच के अरविंद पांडे का नाम है। अमित शाह नवंबर के पहले सप्ताह में नालंदा में आयोजित भाजपा के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह नालंदा में भाजपा के बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे। अमित शाह के नालंदा आने को लेकर प्रदेश स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। झारखंड सरकार इस वर्ष के अंत तक निर्यात नीति और फार्मा पॉलिसी को लागू कर सकती है। इससे संबंधित प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। वहीं फूड एंड टेक्सटाइल पॉलिसी को पुनः अवधि विस्तार देने को लेकर मंथन हो रहा है। सूत्रों की माने तो नवंबर माह में होने वाली बैठक में निर्यात नीति का प्रस्ताव भी आ सकता है। कार्ने गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर से सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता का विशेष अभियान चला रखा है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के तहत सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक कचरा और बेकार पड़ी सरकारी फाइलों को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। अभियान का संचालन कर रहे कार्मिक मंत्रालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में कचरे के निष्पादन से सरकार को अब तक 252 करोड़ रुपये की आमदनी हो चुकी है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के पास करनाह सेक्टर में आतंकी हमले की खबर है। सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ जारी है। सेना का कहना है कि यह आतंकी द्वारा घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। खबर के मुताबिक इस मुठभेड़ में अब तक एक आतंकी मारा गया है। वहीं आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस को लेकर नया मोड़ सामने आया है। खबरों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की करीबी दोस्त और पंजाबी सिंगर अफसाना खान से एनआईए की ओर से पूछताछ की गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर जल्द ही कॉमन एडमिशन टेस्ट 2022 के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा। उम्मीदवार आधिकारिक कैच 2022 वेबसाइट iimcat.ac.in से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। कैच 2022 परीक्षा 27 नवंबर को आयोजित की जाएगी। ब्रिटेन की सत्ता अब भारतीय मूल के ऋषि के हाथों में है। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने के बाद भारत में भी जश्न का माहौल है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें इसे लेकर बधाई दी है। अब इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी और ऋषि सुनक की मुलाकात हो सकती है। आस्था के त्यौहार छठ पूजा के शुभ अवसर पर दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले के लिए एक खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने छठ पूजा को देखते हुए 124 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO वीरेंद्र कुमार ने बताया कि कुल 124 पूजा स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 26 अक्टूबर से हो जाएगी। जरूरत पड़ने पर और ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, नुनू कुमार, भीम कुमार, दीपक कुमार, राजकुमार प्रसाद, राहुल कुमार, ऋषिदेव ठाकुर और ओमकार सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि रुपए के नोट में हिंदू देवी देवता का अरविंद केजरीवाल द्वारा फोटो छापने के प्रस्ताव से आप कितने सहमत हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।